मोर की शिकायत। एक बार एक मोर था जो बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान उसकी आवाज पर गया, जो कि बेहद बेसुरा और कठोर था। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज सुनकर मोर को उसकी कमी एक बार फिर एहसास हुई। वो सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया, भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वे एक निश्चित काम के लिए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता दी, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज। हमें भगवान के लिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे और निखारना चाहिए। मोर उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से यूनिक होता है। कहानी से सीख, खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय आपके पास जो है उसे स्वीकार करें। तो दोस्तों, ये नैतिक कहानी कैसी लगी, जो वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है।